तुझे भी बनाना है। हेलो, इफ्तार का टाइम हो रहा है, आप सो क्यों रहे हो? रोजा रख के पूरा पूरा दिन सोते रहते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहती हूँ रमज़ान मुबारक। तो ये रमज़ान का मेरा पहला वीडियो है जो मैं रमज़ान में शूट कर रही हूँ, बाकी के वीडियोस प्री रिकॉर्डेड थे। तो आज के वीडियो में ये होने वाला है कि हम बनाने वाले हैं 3 डिशेस फॉर इफ्तार ऑन अ बजट। सो बेसिकली 3 सिंपल इजी एंड टेस्टी डिशेस बनाने का ट्राई करने वाले हैं। इस चैलेंज में पार्ट लेने वाली है मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरा छोटा भाई। तो पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, मेरी बहन को बहुत अच्छे से आती है कुकिंग, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और मेरा भाई, ये आइडिया मुझे एक दो दिन पहले आया था जब मैं सोच रही थी कि कितने लोग होंगे जो अपने घरों से दूर होंगे और उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो इफ्तार में क्या बनाए, और कितने लोग होंगे जिनके पास बाहर जाकर कुछ लाने का फैसिलिटी नहीं होगा, तो वो लोग के पास जो भी कम रिसोर्सेज है, जो कि कम सामान है, उससे वो क्या अच्छा इफ्तार के लिए बना सकते हैं। मैंने सोचा इस चैलेंज के जरिए मैं कुछ तो बता पाऊँ। तो इस चैलेंज में मैंने तीनों को उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से एक एक इंग्रेडिएंट दिया है। मेरी बहन को दिया है मैंने एग्स और मीट, मतलब वो अंडा और मीट या दोनों चीजों को लेकर कुछ बना सकती है। मैंने खुद को दिया है पटेटोस, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और मैंने अपने छोटे भाई को दिया है ब्रेड, तो वो ब्रेड को लेकर कुछ भी बना सकता है। मैं जाके देखने वाली हूँ कि बाकी लोग की क्या प्रिपरेशंस चल रही है, क्योंकि उन्हें पता है उनका इंग्रेडिएंट और वो तैयारी में लग चुके हैं। हालांकि मैं यहाँ पे खड़े रहकर इंट्रो वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं भी अभी रश करती हूँ, बिकॉज अभी बज रहा है 4:30, तो इफ्तार का टाइम होने वाला है। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे मॉम डैड की इफ्तार अच्छे से हो, ना कि उन्हें भूखा पेट रहना पड़े या फिर कुछ कच्चा या फीका खाना पड़े। सो लेट्स गो। तुझे को पता है ना तेरा क्या इंग्रेडिएंट है? हाँ, और वो इंग्रेडिएंट के लिए मैं बहुत चल के गया अभी और लेके आया, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक था, सब जगह नहीं था, और मुझे दिख भी रहा है फ्रेम में। तो रेड है गाइस मेरा इंग्रेडिएंट। आर यू हैप्पी विद योर इंग्रेडिएंट? हाँ, अब क्या कर सकते, कुछ आता तो है नहीं। आता है ना तुझे लोगों को उल्लू बनाना? इधर आ तुम भैया, तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या इंग्रेडिएंट है? Yes, I'm doing the preparations. तो चलो बताओ क्या कर रहे हो। मेरा इंग्रेडिएंट है चिकन एंड एग्स। तो इसको लेके मैं बहुत सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ, दैट इज बैदा रोटी, जो बहुत इजी है और बहुत यम लगती है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आपको 1/2 kg चिकन, नमक, गर्म मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और यह है धनिया जीरा पाउडर, चॉप चिलीज एंड थोड़ा कोरिएंडर ले लीजिए। देन आपको लगेगा 2 tablespoons ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑलमोस्ट 2 ऑफ बिग ओनियंस चॉप करना है। यह है मैदा जो मैंने गूंद के रखा हुआ है, बिकॉज इसको थोड़ा फर्मेंट होना पड़ता है। सो आप 1-2 घंटा पहले इसको नमक, आटा और गूंद के रखो पानी के साथ में, एंड एग्स डेफिनेटली बिकॉज बैदा रोटी है। तो इसको कंटिन्यूसली भूनते रहिए सो दैट आपका चिकन लम्स ना हो जाए और आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट की स्मेल नहीं आ रही है इसमें, तब आप डाल सकते हो आपका चॉप्ड ऑनियंस।
तो मुझे मिले हैं पटेटोस और मैं बनाने वाली हूँ तीखे आलू. काफ़ी घरों में बनता है ये इफ्तार के लिए. तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स के तौर पर. इसमें आपको लगेगा गार्लिक, लहसुन, ज़ीरा एंड कड़ी पत्ता, थोड़ा कोथमीर, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा हल्दी, थोड़ा धनिया मसाला और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार. और आपको 7-8 छोटे साइज के पटेटोज लेने हैं और उसको इस तरह से डाइस करना है. और लेना है कोकम का पेस्ट. आप सभी जानते होंगे कोकम खट्टा खट्टा. ये है पत्थर, बताती हूँ क्यों. तो पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे जो गार्लिक है, जीरा और कड़ी पत्ता. उसको हमें पहले क्रश करना है. आप कुछ भी ले सकते हो क्रश करने के लिए. मैंने ये स्टोन लिया है, कुछ तो स्टोन बोलते हैं उसको. अब इसमें डालिए थोड़ा तेल. करीब 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे और अभी चालू करेंगे गैस. अब हम सारे मसाले डालेंगे इसके अंदर और उसे थोड़ा भूनेंगे. गैस को स्लो ही रखेंगे. पहले हम डालेंगे नमक, लाइक सॉल्ट बेस्ट. छोड़ने हैं, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अल्लाह मैं हस्ती में चला. डू नॉट ट्राई दिस एट होम. हम सारे मसाले डालेंगे बिना शो ऑफ के. मैं इसे टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ बट खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. तो मेरा इंग्रेडिएंट है ब्रेड. तो हम लोग बनाने वाले हैं गार्लिक ब्रेड. तो सब मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, आधा दिखाता हूँ. तो सब में पहले गार्लिक ब्रेड के लिए ब्रेड लगेगा और चाहिए हम लोग को बटर. और चाहिए सब में इम्पॉर्टेंट है गार्लिक को हम लोग को छोटा छोटा पेस्ट करना है. ये मैंने नहीं किया, ये मम्मी ने किया है. और चिली फ्लेक्स चाहिए और ऑरिगेनो चीज़ भी चाहिए. चीज़ इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है गार्लिक पेस्ट. तो उसके लिए एक पैन लगाएंगे हम लोग. पहले ये एक साइड गरम करने का सिर्फ, फिर बाद में इस पे मस्का लगाने का. पता नहीं मैंने ऐसे देखा होगा. लगाने का जिस साइड टोस्ट होता है उस साइड पे लगाने का, तो शायद थोड़ा और क्रिस्पी होता है. देख, थोड़ा मेल्ट होने के लिए ऊपर ऐसे रख देते हैं. अभी हम लोग बोनस के लिए एक डिप बनाएंगे. ये मेयोनीज है, नॉर्मल को भी मेयोनीज यूज कर सकते हो. थोड़ा इसे डाल अंदर ऐसे से करके. तो हमारा डिप तैयार है. मस्त है, बहुत टेस्टी है. कौन है? गाइस,
सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, तीनों भी टीम ने अपना बेस्ट देकर सब प्रिपेयर कर लिया इफ्तारी के लिए। तो अभी हम दुआ पढ़ेंगे, इफ्तारी का वक्त होने वाला है, 10-15 मिनट बाकी है, और मम्मी डैडी का रिएक्शन अगर हुआ तो ले सकूंगी, तो देखते हैं कैसा बना है और किसका सब में बेस्ट बना है। तो कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सब अच्छा था। सब में बेस्ट क्या लगा? अरे बोल तो चलेगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तीनों अच्छे थे। ये होती है माँ। देखो गाइस, हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। तो इफ्तारी हो गई, नमाज हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा वीडियो में। हमने बहुत ट्राई किया जो भी अच्छे से हो सके बताने के लिए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको सब में अच्छी रेसिपी किसकी लगी है, और आप क्या ट्राई करने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं वो भी मुझे बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था सब्सक्राइब टू माई वीडियो, जो कि मैंने रियलाइज नहीं किया था, बट वो मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया था। बट वीडियो को मत सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे, क्योंकि 200 के होने वाले हैं हमारे। इंशाल्लाह नया वीडियो लेकर आऊंगी बहुत ही जल्द। कॉमेंट में बताओ आपको क्या देखना है। एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। तब तक के लिए सब घर में रहो, अच्छे से खाना खाओ, तैयारी करो, सहरी करो, रोजे रखो, नमाज पढ़ो, और दुआ में सबको याद करो, क्योंकि गाइस बहुत अजीब सा साल है ये सब। मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्ट टाइम्स और दूसरी चीजें भी हो रही है जो मतलब बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट चीजें हो रही है, तो उन लोग के लिए भी दुआ करो, उन लोग के फैमिली के लिए के सबर हो। मेरी दुआ है कि सबको अच्छा अच्छा खाना मिले और सब खुश रहे इंशाल्लाह, एंड सबके लिए प्रे करो।